जनवरी को यहाँ मैसिव स्नोफॉल शुरू हुआ पूरे कश्मीर डिवीजन में एंड पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर में. शोपियां वाज वन ऑफ द वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स ड्यूरिंग दिस बाउट ऑफ स्नोफॉल एंड वी रिसीव्ड अपवर्ड्स ऑफ 4 फीट ऑफ स्नो एवरीवेयर. इन द अपर रीचेज लाइक केलर सेडो वी रिसीव्ड प्लस 6 फीट एज वेल. और दिस थ्रू यू अप अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज फार एज रोड क्लियरेंस इज कंसर्न. मैं इस प्रेस रिलीज के मीडियम से सबको बताना चाहूँगा कि हमारी रोड क्लियरेंस का स्टेटस एज ऑफ नाउ 11 जनवरी क्या है. उसमें पहले मैं ये बता दूं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके पास टोटल 587 किलोमीटर्स था, जिसमें से 225 प्रायोरिटी वन रोड्स थी जो तकरीबन 90% कम्प्लीट है, और 224 प्रायोरिटी टू रोड्स थी जो तकरीबन अभी 70% कम्प्लीट है. इसके अलावा 410 किलोमीटर रोड लेंथ वॉज टू बी क्लियर बाई R&B मशीन्स. इसमें प्रायोरिटी वन के तहत 181 किलोमीटर्स है और वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, और प्रायोरिटी टू के तहत 228 किलोमीटर्स है जो तकरीबन 80% फिनिश्ड है. जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मशीनरी के फ्लीट है हमारे पास, उसमें मैं आपको बता दूं जो परमानेंट हमें 8 मशीन्स हैं, जिसमें 4 स्नो कैट, 1 स्नो कटर और कुछ लोडर्स हैं, विच प्रूव्ड इनसफिशियंट गिवन द क्वांटिटी ऑफ स्नो. फॉलोइंग दैट हमने जो हमारे पास मुगल रोड की डेडिकेटेड मशीनरी होती है उसमें से 2 स्नो कटर्स इधर डाइवर्ट किए, और एज ऑफ नाउ देर आर 3 स्नो कटर्स वर्किंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. उसके अलावा भी हमें ऊपर से डिविजनल लेवल से कुछ मशीनरी सप्लीमेंट की गई. वी हैव रिसीव्ड अ कपल ऑफ स्नो कैट्स एंड सम बैकहो लोडर्स इन फॉर डेडिकेटेडली फॉर शोपियान. एंड एज ऑफ नाउ अ टोटल ऑफ 14 हैवी मशीन्स आर वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट. मैं ये बता दूं कि हाई क्वांटम स्नोफॉल की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी हैवी मशीनरी बार बार ब्रेक डाउन हो रही है, और अभी जो मैंने 14 मशीन्स बताई उसमें से 5 मशीन्स आर अंडर रिपेयर बिकॉज ऑफ डैमेजेस लाइक ओवर हीटिंग और यू नो देयर क्लच गेटिंग ब्रेक ब्रोकन डाउन और अदर सच मैकेनिकल इशूज. हमने इसके लिए इम्प्रॉम्प्टू एक रिपेयर सिस्टम इन प्लेस रखा है, और ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द यहाँ मशीनरी डाइवर्ट हो जाए, रिस्टोर होकर डाइवर्ट हो जाए. मैं आपको ये बता दूं कि अपर रीचेज में भी हमारी प्रोग्रेस काफ़ी सब्सटैंशियल है. केलर के जितने भी यूजुअली सबसे जो रिमोट एरियाज हैं लाइक बदफोजन, पहलेपुरा एक्सेट्रा, जो यूजुअली अर्लियर फेज में कट ऑफ रहते हैं, वो सारे टाइम पे रिस्टोर हो गए थे, और अभी भी ये जो सेडोर सैदपुरा एरिया है ये भी काफ़ी जल्दी रिस्टोर हो गए थे. अभी फिलहाल हमारी कोशिश है कि जो जो रोड्स ऑलरेडी क्लियर हैं उनकी वाइडनिंग हो ताकि 2-वे ट्रैफिक पॉसिबल हो सके. उसके अलावा टाउन में हमने डेडिकेटेडली म्यूनसिपैलिटी के तहत 2 लोडर्स और उसके अलावा R&B की 4 JCBs रखी हुई हैं, जो अभी इनफैक्ट रिकॉर्ड टाइम में इस बार पहली बार स्नो की लिफ्टिंग भी हमने कंप्लीट की. और टाउन से हमें इनफैक्ट काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली लोगों से कि हमने इतना जल्दी इधर क्लियरेंस को अंजाम दिया. इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि बिजली के लिहाज से सिनारियो बहुत बेहतर रहा इस बार. हमें इनिशियली प्रॉब्लम्स आई थी बिकॉज ऑफ ग्रिड शटडाउन्स बोथ कनीपुरा एंड लसीपुरा, बट पोस्ट ग्रिड रिस्टोरेशन रिसीविंग स्टेशंस और फीडर्स के लिहाज से कोई हमें दिक्कत नहीं आई. बीच में हमें लंधूरा रिसीविंग स्टेशन के ब्रेकडाउन से कुछ दिक्कत आई थी बिकॉज ऑफ स्नैपिंग ऑफ 33 kV कंडक्टर, बट दैट ऑल्सो वॉज रिस्टोर्ड इन टाइम. ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट की बात करूँ कि इस दौरान हमारे जितने भी डैमेजेस हुए वो भी रिकॉर्ड टाइम में हमने रिप्लेसमेंट कर लिए. 22 डैमेजेस वर रिपेयर्ड एंड रिप्लेस्ड. इसके अलावा कुछ ऐसे एक दो हैं जो अभी भी ऐसी जगह हैं जो कट ऑफ हैं, उसमें हमने फिर स्नो क्लियरेंस प्रायोरिटी पे रखी है, और ट्रांसफार्मर्स विल बी रिप्लेस्ड ऑन टाइम. वाटर सप्लाई के हिसाब से भी मिनिमल इश्यूज रहे, बारिंग 1 or 2 places. एज ऑफ नाउ ओनली 1 वाटर सप्लाई स्कीम इज डाउन एंड एफर्ट्स आर ऑन टू रिस्टोर इट. दैट अपार्ट मेडिकल इमरजेंसीज एंड ऑल मोस्टली वर हैंडल्ड वेल ऑन टाइम. कुछ में जहाँ हमें डिले हुआ थैंकफुली देर वॉज नो कैजुअल्टी बिकॉज ऑफ डिले इन स्नो क्लियरेंस. इसके अलावा हमें फूड सप्लाई और फ्यूल सप्लाई के लिहाज से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई.
चार इंस्टांसेस हमें सामने आए हैं जहाँ पे लोगों ने खुद क्लियरेंस की है. एंड आई एम सॉरी इफ वी कुड नॉट सप्लाई आवर जेसीबीज इन और मशीनरी इन टाइम, क्योंकि बाकी जगह सब ऑक्यूपाइड थी वो मशीनरी. उसके लिए मैं श्योर करूँगा कि कोई भी इसमें डिपार्टमेंटल पेमेंट नहीं होगी उन रोड्स के लिए. और उसके बाद भी जब जैसे ही हम एज सून एज वी कुड रीच आउट दोज एरियाज, उसके बाद हमने मशीन उधर डिप्लॉय कर दी.